हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम के साथ आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस में फॉर्म क्रिएशन। हम फॉर्म के बारे में जानेंगे इस क्लास के अंदर। तनी जी, मेरे पास तीन तरह का डेटा है, पहला है सेल्स, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है कस्टमर, राइट सर? राइट। बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट और सेल्स हमारे ऐसे एंट्री के लिए है, लेकिन सेल्स जो है हमारे लिए इनपुट है। हम सेल्स की एंट्री के लिए टेबल बनाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे टेबल हमने लास्ट बताया टेबल पे गए थे और यहाँ पे इसमें फॉर्म पे क्लिक कर दिया था, ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्म बन गया, राइट? लेकिन मैं इस बार इस तरह से नहीं करने वाला हूँ। मैं एक ब्लैंक फॉर्म लूंगा और उस पे अपने हिसाब से फॉर्म बनाऊंगा। ब्लैंक फॉर्म कहाँ से मिलेगा? यहाँ से ब्लैंक फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे शो टेबल्स आ रहे हैं, तो तीन शीट समित है यहाँ पे आपको, लेकिन अब तीनों शीट का डेटा इसको यहाँ पे हम रखेंगे, तो उससे पहले हम इस इन तीनों में तीनों के आपस में रिलेट करना पड़ेगा, समझे? तो मैं डेटाबेस टूल्स पे जाऊंगा और यहाँ पे रिलेशनशिप को ऑन करूंगा और तीनों शीट को यहां से हम ला देंगे। फिर यहाँ पे हमारा सेल्स जो है इधर मेन, हमने बोला कि सेल्स का जो पिन है, पिन की जगह पीआईडी होना चाहिए था, पर पिन है इधर पीआईडी इक्वल टू सेम है, हमने क्रिएट कर दिया। और फिर हमने सीआईडी को लेके इसके इसकी सीआईडी के ऊपर छोड़ा कस्टमर की, और फिर इसको क्रिएट किया, तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, राइट? हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ शो टेबल पे मैं क्या करना चाहता हूँ, कस्टमर की सीआईडी नहीं लेता हूँ, सीआईडी ले लेता हूँ, ध्यान रखता हूँ, कस्टमर का नेम, सीआईडी आ गया ना, मैं यहाँ से सेल्स पे चलता हूँ, सेल्स हाँ जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है? सेल्स का डेट, सेल्स का पिन हम मेनुअल डालेंगे, तो पिन डालें तो पी आर से उसका नेम और उसकी एमआरपी, उसकी एमआरपी नहीं, फिर पहले क्वांटिटी डालेंगे फिर एमआरपी, क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे इसकी एमआरपी आना चाहिए, राइट? उसके बाद मैं कस्टमर की आईडी डालूं और यहाँ पे कस्टमर का नेम और सिटी, ठीक है? हमने तीनों रख दिया। अब इस फॉर्म को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का डेट टाइप करता हूँ। अच्छा, ये बता रहा है आपको कैन नॉट एड द रिकॉर्ड जॉइन। बेसिकली क्या है कि आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, जस्ट वी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पिन नंबर वन डाल दिया, तो मतलब कोई भी एक सर्च कर सकते हैं, व्यू के लिए इसका यूज होता है। इसमें कस्टमर में कोई डेटा डाला हुआ नहीं, मैं सेल्स में कोई डेटा डालता हूँ, मैंने उल्टा कर दिया है, मैं इसका शक्ल देता हूँ, पिन नंबर 11। अब देखिए फॉर्म के ऊपर, फॉर्म को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है? दिया सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट कोई टाइप नहीं कर सकते, राइट सर?
राइट कोई भी चीज टाइप नहीं कर सकते, टाइप चीज में नहीं सेल्स वाले में नहीं कर सकते, बट बाकी में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्रिएट में जाए और डिजाइन टूल्स पे आ जाते हैं तो उसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, समझे? तो आईडी क्रिएट तो यहां पे आप फ्रीडम होते हैं, जैसा मर्जी वैसा डिजाइन बना सकते हैं। कस्टमर की स्थिति और लास्ट में हम क्वालिटी जवाब देते हैं। अब मैं अपने फॉर्म को क्लोज करता हूँ। नंबर वन बाकी अपने आप आ गया, डायरी नंबर वन डिटेल्स आ गए और क्वांटिटी भी एंट्री हो गए, सेल्स में जाके देखिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप डिजाइन फॉर्म से लेते हैं तो सिर्फ आप विजुअल व्यू कर सकते हैं, इसपे क्या बोलते हैं ब्लैंक फॉर्म से, बट आप डिजाइन फॉर्म से जाते हैं तो उस पर आप डेटा एंट्री करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे आया यहाँ पे सेविन, अब यहाँ पे क्या है कि मैं प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं नया प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ, समझ गया ना? क्या मैं इस पे नई प्रोडक्ट की एंट्री कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ तो मैं नया प्रोडक्ट और इसकी एमआरपी 5600 है, क्या आपको समझ? जैसे मैंने मोबाइल नया प्रोडक्ट डाला, इस मोबाइल को सर्च करके यहाँ पे उसकी पिन को शो कर दिया, ऐसे नया कस्टमर आया है मान लीजिए दिव्या सितंबर में अमाउंट को वापस आया और सिटी तो आप देखेंगे कि आपकी एक ही फॉर्म से दो टेबल यहाँ देखिए एंट्री हो गए और यहाँ पीआर के अंदर भी एंट्री हो गई और सेल्स में भी आपका एंट्री हो गया एक ही फॉर्म से। ठीक है, ठीक है। डाउट इसमें नहीं? हेलो, कोई डाउट नहीं सर। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसमें कैलकुलेट, मतलब ये तो हो गई डेटा एंट्री और रिलेशनशिप करने से एक और फायदा होगा। अब मुझे ये पता करना है कि भाई मुझे समरी चाहिए कि डीवीडी की कितनी सेल हुई है, जस्ट मैं टेबल पे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे डीवीडी की सेल पता चलेगा।
ना सर, ये हमारा पेरेंट हो गया, ये हमारा चाइल्ड हो गया। रिलेशनशिप करने से एक फायदा ये भी होता है, मुझे कस्टमर पता करना है कि पूजा कितनी सेलिंग है, तो मुझे इसका पता चला। ठीक है, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन, जैसे कि क्वांटिटी यहाँ आया हमारे पास है, बस अब इसमें दो चीज चाहता हूँ। पहली चीज कि मैं अमाउंट का फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने यहाँ पे अमाउंट का फील्ड ऐड कर, इसमें हमने अभी तक कुछ ऐसा फीड नहीं किया, तो मैं इसको कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी फील्ड में आता हूँ और डेटा पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके कंट्रोल सोर्स है, डिफॉल्ट वैल्यू है, आपको वैलिडेशन वगैरह, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल सोर्स में इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन, हम फंक्शन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ दूंगा क्वार्टर में एमआरपी क्वार्टर टू का है, जुलाई का है, ये ओपन पड़ा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, ठीक है, अभी हमें एक बार कर कैप्चर, और फिर इसको यहाँ से हम क्लोज कर, बाद में होगा जैसे करने के लिए। आ गया सर 2500, ठीक है। अब इसमें हमें चाहते हैं कि डिसेबल हो, मैं इस पे एंट्री इसके थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू नहीं चाहता, क्योंकि फॉर्म दो सीटों से लिंक है, तो क्या होता है कि वो यहाँ भी वो एडिट कर सकता है, अभी तो मैं चाहता हूँ इसकी कोई एडिट ना कर सकता, राइट सर, राइट क्लिक करता हूँ और डिजाइन व्यू में जाता हूँ, और ये जो आपका पी नेम है इसमें आप जाके देखेंगे अनेबल, डेटा में अनेबल है, अनेबल में यस की जगह पे आप नो, एमआरपी अनेबल नो, और इसको भी आप यहाँ से नो, और इसको भी यहाँ से आप नो कर सकते, और इसको भी नो कर देता हूं। अब इससे होगा क्या कि आप फॉर्म पे काम करेंगे यहाँ पे, तो इस पे आप किसी भी तरह की चेंज, ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए होगा, तो इसमें आप अपने आसानी से कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ से बटन वगैरह बनाना है तो बना लीजिएगा, न्यू पर ब्लैंक पे गया, डेट हमने आज की डेट डाल दी, क्वांटिटी में 5 डाल दिया, डिटेल आ गई, सीआईडी में 2 डाल दिया, डिटेल आ गई, क्वांटिटी में सिस्टम में लगाया, रिपोर्ट में लगाया, 200 किया, ऐसा भी है, तो अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आ गई, रिपोर्ट आएगी तो सिस्टम में होगा। ठीक है, एंट्री हो गए सेल्स में, राइट सर, तो फॉर्म को डिसेबल इस तरह से आप कर सकते, ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म्स आप डिजाइन करें, कैलकुलेशन वगैरह डालें, डिसेबल अनेबल करें, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं वैलिडेशन, मैं चाहता हूँ फॉर्म किसी भी सेल पर वैलिडेशन लगाना, जैसे क्वांटिटी, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी में कोई पर्संस डेसिमल ना डाले, ओके, राइट, कौन से क्वार्टर में
तो यहाँ पे देखिए आपका रूल्स दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपना ये करता हूँ, तो डेसिमल नहीं डालना है, कैसे पता चलेगा, यानी मैं डेसिमल तो सही है उसके लिए इंक लगाना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन इसमें ग्रेटर देन 5000 ना डाले, तो मैंने यहाँ पे दिया सिंपल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट है कि क्या करना चाहते हैं आप, इसमें आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज एंटर बिलो 5000 तो इस तरह से इसके अंदर वैलिडेशन रूल आप लगा सकते हैं। जैसे इसको जाएंगे और मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, क्वान्टिटी में पिन नंबर और सही नंबर 4, और यहाँ पे मान लीजिए मैं 5600 डालता हूँ, एंटर 5600 ले लिया, ये नेगेटिव मोमेंट जाती है, ताकि कोई हमारा किसी जो है रिजेक्शन में चला गया, रिजेक्शन रूल इस पे काम नहीं कर रहा। अगर हम तक तो कॉमन फाइल दिखा दो ना, आप भी चीज रोमांस जाके चेक करेंगे रिजेक्शन में चला होगा तो यही से तो होगा, इस सिस्टम में तो रिजेक्शन आएगी, क्यों रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, रिजेक्शन ये तो कल्मिनेशन है बियॉन्ड का, किंग इनको टीम को बाहर ले गए थे घुमाने के लिए, प्लेयर और बस जो इसका चला गया देखिए हमने इक्वल लगा दिया था सर, इक्वल नहीं लगाना है उसमें। ओके चुप जाइए सर। ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं। सर एक चीज और, ये जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आप इसकी एक लाइब्रेरी बना दो, उसमें अपलोड करते रहो, पीछे की भी वीडियो अपलोड नहीं हुई अभी तक। ठीक है मैं एक बार देखता हूं, करने में दिक्कत होती है। ठीक है।